पर भागलपुर में भव्य पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा भागलपुर के घंटाघर स्थित साईं मंदिर से प्रारंभ होकर समाहरणालय चौक, तिलका मांझी और मानिक सरकार चौक के रास्ते होते हुए वापस साईं मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो भजनों की धुन पर थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा की भव्यता को रथ और घोड़े ने और भी बढ़ा दिया। वहीं मंदिर के सचिव ने बताया कि यह 14वां पाल की शोभा यात्रा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा और रात्रि में भक्ति जागरण में स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। साईं बाबा का जन्मदिन के अवसर पे उनका वर्षगांठ मनाया जाता है, इसलिए पालकी निकला हुआ है। आइए 15 साल से कंटिन्यू जन्माष्टमी का जन्म के साथ साथ साईं बाबा का भी जन्मदिन मनाया जाता है। हाथी हर साल की तरह से इस साल तो बहुत ज्यादा ही लोग आए हुए हैं। हाथी है, हाथी नहीं है, घोड़ा है, पालकी है और बहुत लोग सरदार मतलब लेडीज है, जेंट्स है, सारे लोग है, डीजे भी है साथ में। हम लोग अभी यहाँ से तिलका मांझी जाएंगे, तिलका मांझी से फिर जो घुरन पीर बाबा होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर नया बाजार होते हैं, गौशाला होते स्टेशन रोड होते हुए फिर मंदिर प्रांगण में आएंगे। हर साल 14वां साल है ये, 14वां साल मेरा है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को अब अल्ट्रासाउंड की जांच के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दरअसल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आउटडोर में सोमवार को अल्ट्रासाउंड सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर CM सिन्हा, प्रशांत कुमार सहित कई अन्य चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी ली और मरीजों के लिए इसे लाभदायक बताया। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि PPP मोड पर इसकी शुरुआत की गई है, जहां OPD में इलाज कराने के लिए आए महिला रोगियों को जांच के लिए दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अल्ट्रासाउंड जांच पूरी तरह से निशुल्क है। आज किस चीज का शुभारंभ हुआ है? आज अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ हुआ है। क्या सुविधा मिलेगी मरीजों को? सुविधा बहुत मिलेगी कि एक तो भीड़ कम होगी, एक जगह भीड़ लगती थी दूसरी भीड़, और दूसरी एक आज के मशीन जो है हमारा लेटेस्ट मशीन इनका है, इसमें अदर जो वहाँ कुछ नहीं हो पाता था यहाँ उसमें करना चाहिए। जैसे मेमोग्राफी हमारा हुआ फीमेल के लिए, ब्रेस्ट कैंसर का जांच के लिए जाना पड़ता था बाहर, हमको यहाँ हो जाएगा, सुविधा मिलेगी। कितने कम लागत क्या पड़ेगा सर इसका खर्च? CGHS का रेट है नीचे, जैसे पहले से किया हुआ कोई नया इनके लिए नहीं बनेगा, जो नीचे का हमारा पहले का है वही आधार पर इनको देंगे। इमरजेंसी मरीज को सुविधा मिलेगी सर? जिसे इमरजेंसी में जो मरीज आएंगे, अभी तो पहले OPD शुरू किए हैं, इसके बाद में देखा जाए। पहले OPD की सुविधा दे रहे हैं, जैसे पहले नीचे चल रहा था OPD, जब तक चलता तो वही चलेगा, वही चीज ऊपर ऊपर में कंसर्न करना है पेशेंट को, जैसे नीचे है सेम चीज वही ऊपर में है। मुफ्त सेवा है, गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो रोड देते हैं हम पैसा देंगे उसको, सरकार पैसा देगी उसको, ये अपना देंगे कितना मरीज का जाँच हुआ उसके अनुसार हम एग्रीमेंट जो बना हुआ है पहले नीचे से वही एग्रीमेंट भी बोला जी। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक जितने भी पेशेंट है, ऑब्स एंड के पेशेंट, उसका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, एंड वी हैव प्रोवाइडेड ऑल दी प्रोब्स, जिसकी वजह से डायग्नोसिस इन अदर थिंग्स में बहुत आसानी हो सकती, एंड इट्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। भागलपुर में NH-80 पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण डायवर्सन एक बार फिर से बह गया है। सभौर में ह्यूम पाइप के साथ डायवर्सन टूट गया है, जिससे करीब 10 मीटर का हिस्सा बह गया। अब सड़क पर मात्र 2 फीट का ही हिस्सा बचा हुआ है, जिस पर लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की रोक टोक के बावजूद लोग बैरिकेड तोड़कर बाइक लेकर गुजर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने आवागमन के लिए नाव का सहारा लिया है। वहीं NH-80 का 50 फीट हिस्सा पहले भी ध्वस्त हो चुका था, जिससे जलस्तर घटने पर मरम्मत किया गया था। दरअसल यह राष्ट्रीय राजमार्ग भागलपुर को झारखंड से जोड़ता है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
भागलपुर में अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा हुसैनाबाद दुर्गा मंदिर से शुरू होकर कोतवाली चौक होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। शोभा यात्रा में झांकियों के साथ युवक युवतियां कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व इंजीनियर सुभाष यादव ने किया। शोभा यात्रा में बंटी यादव, अजय कुमार यादव, रंजन यादव, पूर्व महापौर बीना यादव, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई प्रमुख लोग शामिल थे। भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित टिल्ला कोटी में रह रहे अनेकों बाढ़ विस्थापित परिवारों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत और भारतीय मीडिया महासंघ ने सूखा राशन वितरित किया। इस दौरान स्थानीय थाना पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करती नजर आई। बाढ़ विस्थापित लोगों ने संगठन के पदाधिकारियों से अपनी कठिनाइयां साझा की, जैसे जंगली जीव जंतुओं का खतरा और अंधेरे में रहने की समस्या। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन से भी उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बाद संगठन के पदाधिकारी सबौर थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की उपस्थिति में सबौर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन के आसपास रह रहे बाढ़ विस्थापितों के बीच सूखा राशन वितरित किया गया। मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने कटाव निरीक्षण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार से मुलाकात कर बाढ़ विस्थापितों के लिए सुविधा की मांग की। वहीं इस मौके पर मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार समिति महासचिव सुमित कुमार, मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष मनोज मंडल और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खास करके जो बाढ़ विस्थापित परिवार हैं, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत और हमारे पत्रकार बंधु भारतीय मीडिया महासंघ के द्वारा सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय और पहला कदम हम लोगों का है, जो हमारे संगठन के माननीय सुमित जी हैं और हमारे डॉक्टर साहब हैं मनोज मंडल जी, उनके योगदान से जो है यह कार्य किया जा रहा है। बाढ़ विस्थापित लोग, ऐसे परिवार जिनका घर द्वार सब डूब गया है और वे बेसहारा हो गए हैं, रियल में जो बेसहारा है, वैसे लोगों को सूखा राशन वितरण किया। जैसा कि हम लोग अभी देखें, पूछे कुछ लोगों से, उन लोगों तक अभी तक कोई सरकारी सुविधा भी यानी कि नहीं मिला है, उनको लेकर के क्या आपका संगठन विचार करेगी? बिल्कुल विचार करेगी, क्योंकि मानवाधिकार जो संगठन है, मानव के अधिकार का जहाँ हनन होता है, गरीब असहाय और लाचार लोगों को जहाँ उत्पीड़न उसका किया जाता है, वहाँ हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी और तमाम सदस्य उसके लिए खड़े रहते हैं और अनवरत खड़े रहेंगे। सरकार के द्वारा जो मुहैया नहीं कराई गई है, उनके लिए हमारे संगठन के तरफ से उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा माननीय डीएम साहब को और यथाशीघ्र उसे राशन वितरण करने का प्रावधान। देखिए, बाढ़ विस्थापितों के लिए कुछ सूखा राशन का व्यवस्था किया गया है, चूड़ा मुड़ी गुड़ वगैरह का। हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ हम लोग सहयोग कर सकें, उसी के लिए हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको कि कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। तो दो कारण था आप लोगों का, कुछ तो इन लोगों को हम लोग सहयोग कर सकें, साथ में जो परेशानी इन लोगों को है इसको लेकर के प्रशासन से आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी सुविधा मुहैया हो सकेगी वो हम लोग करवाएंगे। भागलपुर के हुसैनाबाद राधाकृष्ण ठाकुरवाड़ी वार्ड नंबर 41 से 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर सोमवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा अलीगंज ठाकुरवाड़ी से शुरू होकर गंगा घाट तक पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने गंगा जल लेकर ठाकुरवाड़ी प्रांगण में अपनी यात्रा समाप्त की। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालु अपने माथे पर गंगा जल लेकर शामिल हुए, जिससे इस धार्मिक आयोजन की भव्यता और भी बढ़ गई।